YouTube वीडियोस के ऊपर ये सिंबल आप सभी ने बहुत बार देखा होगा और अलग अलग वीडियोस के ऊपर आपने देखा होगा, किसी सॉन्ग की वीडियोस पे या फनी वीडियोस के ऊपर, मतलब अलग अलग कंटेंट की वीडियोस के ऊपर आपने ये सिंबल बहुत बार देखे होंगे। तो ये क्यों आता है, इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल क्रॉक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला है, मतलब इसका रीज़न क्या है, ये क्यों होता है ऐसे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि यूट्यूब के ऊपर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे कि आपको अलग अलग तरीके बताए होंगे, जैसे कि किसी ने कहा कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर के लिए फ़ीचर है, बड़े बड़े क्रिएटर को ये फ़ीचर मिलती है यूट्यूब की तरफ से। किसी ने कहा कि आप यूट्यूब रेड का सब्सक्रिप्शन ले आपने ले लिया तो आपका यहाँ पे ये फ़ीचर मिलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यूट्यूब रेड ये अलग चीज़ है और ये चीज़ अलग है। यूट्यूब रेड एक्चुअली क्या है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पूरे महीने तक फ्री एडवर्टाइजमेंट वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो YouTube रेड है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, लेकिन यह हमारे इंडिया में नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन करने के लिए इसको आपको YouTube को कुछ डॉलर्स पेड करना पड़ता है, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रेट है इसके। किसी कंट्री में $10 है, किसी कंट्री में 15, किसी 20, 25, ऐसे अलग अलग मतलब रेट्स हैं इसके। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो YouTube से तो यहाँ पे आपको फ्री एडवर्टाइजमेंट वीडियोस मिलेंगे, और ये यहाँ पे रेवेन्यूज़ वगैरह जो भी है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये सभी चीज़ें अलग है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा। तो ये रही YouTube रेट के बारे में। अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। तो जो ये डिसेबल का सिंबल आता है, मतलब दिस वीडियो कांट बी टेकन फॉर डाउनलोड, कांट बी टेकन डाउनलोडेड, ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पे रीजन क्यों है, जो ओरिजिनल क्रिएटर्स होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक होते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री, मूवीज़ वगैरह, एनिमेशन जो भी है, तो यहाँ पे अगर उस क्रिएटर ने, बड़े बड़े क्रिएटर जो होते हैं, मतलब अपने ओरिजिनल कंटेंट YouTube को सबमिट करते हैं और उसके बदले में YouTube इन्हें कंटेंट ID प्रोवाइड करती है, जिससे अगर इस कंपनी का मैंने कोई भी वीडियोस, मतलब क्लिप, फ़ोटो वगैरह जो भी यूज किया, कुछ भी यूज किया, तो यहाँ पे वो लोग डायरेक्टली हमें स्ट्राइक भी दे सकते हैं या तो कॉपीराइट क्लेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक डायरेक्टली देते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टी का नुकसान होता है, और जो यहाँ पे वीडियोस, मतलब उसकी ये हो जाएगी तो मतलब कुछ उसको मिलेगा नहीं। अगर उन्होंने क्लेम किया मेरे वीडियो के ऊपर कि मतलब ये मेरी कंटेंट है, ये मेरा मतलब ये मेरा वीडियो है, मतलब मेरे वीडियो का कंटेंट है, तो यहाँ पे मेरी डाउनलोडिंग जो होती है वो पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगी, और जो भी रेवेन्यू मिलता है वो पूरी रेवेन्यू इस ओरिजिनल क्रिएटर, ओरिजिनल पार्टी, ओरिजिनल कंपनी को चली जाती है। और जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब ओरिजिनल हमारे ऊपर थोड़ा दया खा जाती है, तो कुछ परसेंट अपने को भी दे देती है कि मतलब भाई तुमने मेहनत की है, तुमने अपने अच्छी इतनी मेहनत की है, तो ये थोड़ी सी रेवेन्यू मेरे पास से तुम रख लो, तो ऐसा भी होता है। तो दोस्तों ये था मेन रीज़न। अगर इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।